सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन फोबी इंजीनियर। तो आज का जो न्यू जॉब रिक्रूटमेंट आ रहा है वो दिल्ली पुलिस और हाल रिक्रूटमेंट की तरफ से आ रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इनके तरफ से अप्रेंटिसशिप फ्रेशर्स के लिए आ रहा है। बी बीटेक जो कंप्लीट कर चुके हैं, डिप्लोमा जो कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के लिए। और एक दूसरा है दिल्ली पुलिस जो है, 10+2 12th, अगर आप पास हो, 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या ITI पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 12th के ऊपर आपने डिप्लोमा किया है, आपने BBTECH किया है, वो सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे भर्ती निकली है, 649 पोस्ट। ठीक है, तो कैसे भरना है, क्या करना है, पूरी डिटेल, कितने फॉर्म फीस हैं, ये हाल का जो रिक्रूटमेंट है ये तो फ्री है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या रिक्रूटमेंट है, ये सब हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी न्यू जो जॉब मार्केट में आ रही है उनसे अवेयर रहे, आप अवेयर रहे लेटेस्ट वीडियोस जो भी जॉब मार्केट में आ रहा है उससे। गाइस, एक लाइक तो बनता है। चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो दिल्ली पुलिस का जो स्टार्टिंग फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो 28/12/2019 से ओपन होगा, मतलब आज से 4 दिन बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पे अभी इसकी कोई सूचना नहीं आई है, बट ये 28 तारीख को तक आपको, 28 तारीख के शाम या रात तक आपको ये डिटेल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है 27/1/2020, 27 जनवरी को इसका लास्ट डेट है, उससे पहले आपको भर लेना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके डायरेक्ट विजिट कर सकते हो, www.dillipolice.nic.in वैसे है। इसकी जो पे स्केल आपको मिलने वाली है, ये मिलने वाली है 25,500 के आसपास। उसके बाद अलाउंसेस वगैरह जो मिलेगी वो अलग। हेड कांस्टेबल की भर्ती है, मेल के लिए ओपन से है 134, जनरल की पोस्ट है, EWS वाले के लिए 40 पोस्ट है, OBC के लिए 93 पोस्ट है, SC के लिए 76 पोस्ट है, ST के लिए 49 पोस्ट है, एंड ऐसे होता है टोटल 392 पोस्ट मेल के लिए। डिपार्टमेंटल एग्जाम भी इसको कहा जाए, मतलब जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हैं वो भी एग्जाम दे सकते हैं, मतलब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल में, तो वो भी अपना पोस्ट बढ़ाने के लिए एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए 15 भर्ती, इनको काफी छूट मिलता है गाइस। जैसे अपना कट ऑफ अगर 200 में से अगर 110 गया जनरल वाले का, तो डिपार्टमेंट वालों में डिपार्टमेंटल एग्जाम जो ये हैं, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके लिए कट ऑफ ये 40-85 जाता है जनरल वालों का, तो डिपार्टमेंट वालों का फायदा होता है। कोई बात नहीं, अपन तो मेन देखेंगे। फीमेल के लिए 67 जनरल में है, EWS में 19 सीट है, OBC में 945, SC में 38, ST में 24, और टोटल 193 पोस्ट। तो ऐसे ओपन और डिपार्टमेंटल मेल और फीमेल मिला के टोटल 649 पोस्ट होता है, जिसमें पे स्केल आपको मिलेगा 25,500 प्लस अलाउंसेस वगैरह, तो 28,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। रिजर्वेशन वगैरह जैसे कि है, एक्स सर्विस में ने गवर्नमेंट 10% आपको रिजर्वेशन जरूर मिलेगा, EWS इकोनॉमिक सेक्शन वाले, SC ST वाले को थोड़ा बहुत रिजर्व यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट। तो आपकी एज 18 से 27 साल के अंदर होना चाहिए जनरल वालों के लिए, बाकी जैसे OBC वाले के लिए 30 साल, SC ST वाले के लिए 32 साल, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद विडो, डाइवोर्स वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, ये सब हैं, इनको 35 साल के हैं तक इनको मिलेगा ये भरता है। स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमेन, अगर आपको, आपके पास कोई स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, तो वो लगाकर अपनी एज 32 ईयर तक भी, अगर आपको 31 ईयर एज है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 40 साल तक उनका एज अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। उनमें भी OBC अगर हो तो 43 ईयर तक, और SC ST हो तो 45 ईयर तक, सही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+12 अगर आपका कंप्लीट है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डिग्री हो, डिप्लोमा हो, चाहे जो भी ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ITI मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट की बात करें तो इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ पे 1,000 की डिस्कशन 15 मिनट, तो मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, मैंने इससे पहले जो नोटिफिकेशन इसका देखा था, 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो 30 वर्ड अगर पर मिनट आप टाइपिंग करते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जिसमें SC ST और एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है। तो गाइज, बहुत अच्छी बात है, वुमेन हमारे, उनके लिए आप भर सकते हैं फॉर्म। फॉर्म की लास्ट डेट है 27 जनवरी को, उससे पहले आप ये
भर ले फॉर्म। तो अभी तक साइट पे ओपन नहीं हुआ है, 24-28 तारीख से ओपन, 28 दिसंबर से ओपन होगा। तो 28 दिसंबर का आप विजिट करना, मैं भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। सेकंड जो हमारा है आप देख सकते हो, सेकंड है हमारा हाल रिक्रूटमेंट। तो हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इनके तरफ से काफी अच्छा डिप्लोमा, बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए, फ्रेशर हो अगर आप तो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे हैं, तो कुछ फीस नहीं है इसके लिए, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। बट ऑफलाइन अप्लाई का है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ऑफलाइन अप्लाई करना है आपको। कैसे करना है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं इनके मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का देखोगे तो तकनीकी परीक्षण संस्थान परिवहन वायुयान प्रभाग कानपुर के तरफ से, तो हाल कानपुर के तरफ से रिक्रूटमेंट हुआ है। 16/12/2019 से फॉर्म स्टार्ट है और 7 जनवरी को इसका अंतिम लास्ट डेट है, ठीक है। उससे पहले आपको ये काम कर लेना, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, AMI इंजीनियर, ये सारे के सारे डिग्री या डिप्लोमा वाले हो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के लिए भी संबंधित शाखा में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय लाइब्रेरी साइंस। ओके, तो आप कुछ भी डिग्री हो उससे डिपेंड नहीं करता, बट आपको 1 साल लाइब्रेरी साइंस की एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। फार्मेसी की बात करें तो डिप्लोमा अगर आपने फार्मेसी कर रखा है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद MOM एंड SP के लिए जो है, तो यहाँ भी डिप्लोमा मांग रहा है 2 साल का विश्वविद्यालय से। तो ये सब पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इस वीडियो में कोशिश करता हूँ ये इनको BE BTECH वाले को ही, डिप्लोमा वाले को ही कवर करने के लिए। तो ये बंदे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो कुछ जानकारी यहाँ पे देख लें। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र, तो जब आवेदन करोगे तो एक फॉर्म, इस PDF के लास्ट में आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भरते हुए, भरने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको जो स्टार्टिंग में जो एड्रेस में यहाँ पर, ये जो एड्रेस था, ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। ये एड्रेस पे आपको भेजना है पूरे डिटेल के साथ। तो आपके पास अप्रेंटिसशिप पंजीकरण संख्या दर्शाते हुए ईमेल कॉपी, क्या मतलब हुआ इसका, अगर आप NATS जो नेशनल अप्रेंटिसशिप वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्टर करना, जाकर उस पर रजिस्टर करने के बाद उसको आपका एक अप्रेंटिसशिप के लिए ID मिलती है। तो वो अप्रेंटिसशिप ID जब आप बनाओगे तो आपको एक मेल आता है कि यस यू आर रजिस्टर्ड विथ NATS, वो मेल की कॉपी निकाल कर यहाँ पे लगानी है। तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो जाके NATS वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करें, और अगर आप ऑलरेडी हो तो वो मेल आप ढूंढे अपने ईमेल में और आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाई स्कूल अंक पत्र लगाना है, प्रमाण पत्र वगैरह, तकनीकी बोर्ड द्वारा जारी डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो लगाना है। यदि आप SC ST वगैरह से हैं तो आपको जो क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, निवास प्रमाण पत्र लगाना है, आय प्रमाण पत्र वगैरह भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप वो भी लगा सकते हैं। आयु सीमा की बात किया जाए यहाँ पे डेट की, तो 26 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जैसे OBC वाले को 3 साल और SC ST वालों को 5 साल का जो छूट मिलता है वो तो यहाँ पे है ही। दिव्यांग कैटेगरी वाले लोगों को 40% तक आपको यहाँ पे मिलेगा, 10 वर्षीय की छूट मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको मेरिट बेस पे यहाँ पे चयन होगा। जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री में जो भी आपने मार्क स्कोर किया 100% वेटेज के अकॉर्डिंग, जो भी अपने मार्क्स गेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बट एक चीज और यहाँ पे बहुत आराम से लिखा हुआ है कि CGPA ग्रेड अंक से में बदल कर लिखे। तो जो फॉर्म आप भरोगे इसके नीचे जो लास्ट में फॉर्म है, वो फॉर्म को जो भरने से पहले अगर आपका CGPA ग्रेड जैसे 8.75 है, आपका 8.5 है, तो उसको आप परसेंटेज में बदल कर लिखें। CGPA ग्रेड वाले आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो, उम्मीदवार के लिए सामान्य निर्देश, अध्यार्थी को सलाह दी जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने के लिए www.mhrdnats.government.in पे विजिट करके आपको रजिस्टर करना है। अगर नहीं किए हो तो जाके कर लो, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं तो अपना ईमेल ID से निकालेंगे, जब उनको आया था कि आया रजिस्टर्ड ऐसे करके, तो वो ईमेल निकाल के आपको अटैच करना है, बाकी सब वही जो ऐड करना है। अब यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कि इसका है आवश्यक प्रमाण, सबसे पहला फॉर्म आवेदन पत्र के साथ संलग्न के लिए जारी सूची, तो आपको ये वाला फॉर्म भी लगाना है इसमें। हाँ ना लिखना, अप्रेंटिसशिप पंजीकरण मतलब कौन कौन सा आप
डॉक्यूमेंट्स लगाए हो वो आपको यहाँ पे पूरा टिक करना है। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपका है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड में से दोनों में से कोई एक आप लगा दो चलेगा। उसके बाद बात किया जाए तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, बीओवी द्वारा जारी MHRD का नंबर, ठीक है। तो NATS से जो MHRD, NATS से जो आपने आईडी लाया वो आईडी यहाँ पे लिखना है, आधार कार्ड नंबर लिखना है, पैन कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है यहाँ पे, जन्मतिथि वगैरह लिखना है, आयु सीमा लिखना है, लिंग क्या मेल फीमेल है वो भरना है, हाई स्कूल के अंक कितने आए हैं परसेंटेज में लिखना है, डिग्री डिप्लोमा में जो भी अंक आए हैं उसको परसेंटेज में लिखना है, डिग्री डिप्लोमा की ब्रांच यहाँ पे लिखनी है, ये सब डिटेल आपको भर कर और साथ में 10th 12th का जो भी है वो सब लगाकर आपको ये फॉर्म को वो जो एड्रेस स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था उस एड्रेस पे भेजना है। यहाँ पे देखिए बाएं अंगूठे का निशान, तो यहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन भी देना है बायां हाथ का और आपका यहाँ पे सिग्नेचर। और जिस दिन आप भरोगे मतलब आज का दिनांक, अगर आज आप जाओगे ऑफिस में जमा करना है तो आज का डेट और आज का स्थान लगाकर, जहाँ भी आपको आज का डेट आज का स्थान लगाकर आज ही जाकर आप जमा कर देना पोस्ट ऑफिस में। तो ये काम कर लो जल्दी से। जो भी हमारे भाई लोग सैलरी वगैरह की बात करें तो गाइज जो गवर्नमेंट एफिलेटेड जो ये सब होते हैं अप्रेंटिसशिप जो कराते हैं उनकी जो सैलरी होती है कितनी होती है, 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे ही होता है, तो ये भी वैसे ही करेंगे। कुछ कुछ का 5-6 हज़ार भी होता है। तो गाइज इसका कोई अभी तक वो डिटेल नहीं है, बट हाँ जहाँ तक हमने पता किया है तो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में ही आपको मिलेगी सैलरी, ठीक है। काफ़ी बड़ा ये अच्छी आपको रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, तो अप्लाई जरूर करें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना गाइज। आप लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि और भी अच्छे अच्छे जॉब आपके सामने लेकर आता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।